संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए किन किन सुरक्षा कारणों का हम लोग पालन कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, यह टॉपिक है हमारा सुरक्षा सावधानियां, ठीक है। आज का टॉपिक हो जाएगा सुरक्षा सावधानियां, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 है, टॉपिक हमारा है सुरक्षा सावधानियां, है ना। हम लोग देखेंगे कि किन किन सुरक्षा सावधानियों का हम लोगों को वर्कशॉप में या कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो सुरक्षा सावधानी होती है दोस्तों, कि प्रत्येक व्यवसाय में कार्य करते समय एक उचित पोशाक होती है ना। तो उचित पोशाक पहनकर ही हमें जो है कार्य करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रिकल व्यवसाय है, इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय है या विद्युत कार व्यवसाय है, उसमें कार्य करने के लिए प्रत्येक आईटीआई में एक ड्रेस है। इसी तरह जो भी वर्कशॉप है, जरूरी नहीं है कि आईटीआई की ही बात करें हम, प्रत्येक वर्कशॉप में कार्य करते समय हमें थोड़े टाइट कपड़े पहनना चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह किसी मशीन में आ सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है ना। प्रॉपर शूज होने चाहिए हमारे, है ना, बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए ताकि दुर्घटनाएं ना हो या दुर्घटना की संभावना कम हो जाए, इसीलिए उचित पोशाक पहनकर ही हमें वर्कशॉप में जाना चाहिए और उचित पोशाक पहनकर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, उचित पोशाक पहनकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, कि सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करें, है ना। दोस्तों, वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के संकेत हम लोग प्रयोग करते हैं और उन संकेत के द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने या ना करने का जो है अनुरोध कारीगर से किया जाता है ना, ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों। तो यह सुरक्षा संकेत जो है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होते हैं, दुर्घटनाओं से बचाव का एक उपाय होते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप उन सुरक्षा संकेतों का पालन करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है गॉगल्स पहनने के लिए सुझाव दिया जाता है या रबर के दस्ताने पहनने के लिए सुझाव दिया जाता है, जिन्हें हम लोग अनुरोधात्मक जो है संकेत बोलते हैं। तो उस प्रकार के सुरक्षा संकेतों का पालन करें, वहां चश्मा जरूर लगाएं, जूते रबड़ के और हाथ के दस्ताने रबड़ के जरूर पहने। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर के लिए लगा होता है सिंबल, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो उस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग सही तरह से जरूर करें। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के संकेतों का करना चाहिए, ठीक है। तो संकेतों का अनुपालन करना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करें, अनुपालन करें, ठीक है दोस्तों। तो सुरक्षा का जो तीसरा कारण है, सुरक्षा का तीसरा का जो सुरक्षा के लिए तीसरी सावधानी आप लोग अपना सकते हैं, वह दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कार्य को ध्यानपूर्वक और लगन पूर्वक करें, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि यदि कार्य को आप ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे, गंभीरता से नहीं करेंगे, कार्य में आपकी लगन नहीं है, आपको उसमें मन नहीं लगता है, तो वहां पर दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्य को आप मन लगा करके करें, उसे पूरे ध्यान के साथ करें और गंभीरता के साथ करें, अन्यथा सुरक्षा की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो सुरक्षा सावधानी नंबर 3 है कि
प्रत्येक कार्य को गंभीरता के साथ करें, लगन के साथ करें, लगन पूर्वक करें और ध्यान पूर्वक करें। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है हमें कि प्रत्येक औजार का सही तरह से और सही कार्य के लिए ही उपयोग करना है। ठीक है, जो औजार जिस कार्य के लिए बना गया गया है उसी कार्य के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, अदरवाइज दुर्घटना की संभावनाएं दोस्तों बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है इसका भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोग फिर से एक बार ध्यान रखें कि सुरक्षा सावधानियों में से एक यह भी है कि सही औजार का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, औजार का प्रयोग हमें गलत तरह से नहीं करना है, वरना औजार भी टूटेगा और औजार टूटेगा तो उसके कुछ पार्ट हो सकता है टूट करके आपके ही ऊपर आ जाएं, या जैसे औजार का आप गलत प्रयोग करते हैं तो उसके गलत प्रयोग करने से भी आपका जो है शारीरिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखें कि सही औजार का प्रयोग करें, सही औजार का प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 होता है दोस्तों हमारा कि यदि मान लीजिए किसी लाइन पर आप काम कर रहे हैं, है ना, तो दोस्तों उस लाइन पर जो मेन स्विच है उस मेन स्विच को ऑन करने से पहले आप लोग ध्यान रखें, सुनिश्चित कर लें कि लाइन पर कोई अन्य व्यक्ति काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति भी लाइन पर कार्य कर रहा हो, आपका साथी यदि मान लीजिए वो काम करके नीचे नहीं आया हो, तो हो सकता है कि जैसे ही आप मेन स्विच ऑन करें तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है और दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि मेन स्विच को ऑन करने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना है कि लाइन पर कोई अन्य व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा कि किसी मेन स्विच को, किसी मेन स्विच को ऑन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि लाइन पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, यह आप लोग सुनिश्चित कर लें। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट होता है कि यदि मान लीजिए आप किसी मशीन पर किसी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, तो मशीन को आप तब तक हाथ न लगाएं तब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि कहीं मशीन में से अनैच्छिक विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं हो रहा है, या जिसे हम लोग बोलते हैं कि कहीं मशीन में लीकेज करंट तो नहीं बह रहा है ना, कोई लाइव वायर कहीं मशीन के संपर्क में तो नहीं है, वरना क्या होगा कि आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये पॉइंट नंबर 6 ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा हमारा कि कहीं अनैच्छिक धारा का प्रवाह तो नहीं हो रहा है, यहाँ हमें सुनिश्चित करना है ना। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 7 होता है कि जब भी आप वैद्युतिक वर्कशॉप में कार्य करें तो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है कि आप लोग रबर के जूते पहने, हाथ में रबर के दस्ताने पहने और रबर की चटाई का प्रयोग करें। ठीक है, इससे दुर्घटना को काफी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, तो एक सुरक्षा सावधानी यह हो गई। इसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए आप किसी मशीन का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं,
है ना, मशीन को किसी कारण से मान लीजिए आपको दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, तो आप लोग उस मशीन के पहले प्लग टोक को, उसकी केबल को अलग कर दें, उसके बाद ही मशीन का स्थान सुनिश्चित जो है परिवर्तित करें। और प्लग टोक को निकालने के लिए दोस्तों, केबल को निकालने के लिए केबल को प्लग टोक से पकड़कर ही निकालना है, वायर को दूर से ही नहीं खींचना है, वरना केबल टूटेगा। और केबल टूट करके हो सकता है कि वह जो है आपको प्लग टोक जो है फिर चेंज करना पड़े, है ना। तो यह हमारा पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा कि आपको मशीन का स्थान परिवर्तन करने से पहले केबल को निकालने के लिए प्लग टोक को पकड़कर ही केबल को निकालना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप स्विच, जैसे आप मान लीजिए फ्यूज बदल रहे हैं, फ्यूज में जो मेन जो वायर होता है, यदि फ्यूज का वायर यदि आप लोग बदल रहे हैं, तो इसके लिए पहले आप मेन स्विच को गिरा दें और उसके बाद ही फ्यूज को जो है फ्यूज में तार को चेंज करें, ठीक है। यहाँ पर यह सुरक्षा सावधानी भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सुरक्षा सावधानी और है कि यदि मान लीजिए आप जो वायरिंग यदि कर रहे हैं, तो उसमें फेस तार में ही फ्यूज जो है फेस तार में ही आप लोग स्विच लगाएंगे, न्यूट्रल वाले वायर में हमें स्विच नहीं लगाना है, वरना जो करंट होगा वह पूरी सप्लाई में फ्लो होगा और जिससे कि कभी भी आपको यदि उपकरण बंद भी है तब भी करंट लगने की संभावना, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग सीढ़ी पर कार्य कर रहे हैं, आप लोग ऊंचाई वाले स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो अपने साथ एक सहायक अवश्य जो सीढ़ी को पकड़ सके और समय आने पर आपकी मदद कर सके, है ना। साथ ही साथ दोस्तों, यदि मान लीजिए आपने किसी मशीन पर कार्य किया है, उसे रिपेयर किया है, तो आप सप्लाई देने से पहले सुनिश्चित कर लें कि कहीं मशीन को सप्लाई देना उचित है अथवा नहीं है। यदि मशीन को सप्लाई देना उचित हो, मशीन पूरी तरह से सुरक्षित हो, तभी उसे सप्लाई दें, वरना दोबारा से उसे रिपेयर करने के बाद ही सप्लाई दें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप खंभे पर कार्य करते हैं, तो खंभे पर कार्य करने के लिए आप लोग सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आवश्यक ना हो, तो किसी मशीन को बिना कारण या पर्याप्त कारण के हमें उसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस मशीन में अनिच्छुक धारा का प्रवाह हो रहा हो या उस मशीन में लीकेज करंट फ्लो हो रही हो, जिसके कारण हमें करंट लग सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ सुरक्षा सावधानियां थी जो जिनका यदि हम लोग पालन करें तो दुर्घटनाओं को हम लोग रोक सकते हैं, दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।